नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं नीता मिश्रा। चार दिनों को हुई लगातार बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। खासकर अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी पूरी तरह जलमग्न हैं। खासकर बेली रोड, नहर पार, डीपीएस स्कूल और गोला रोड, वहां अभी भी जल जमाव से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है, प्रशासन से मदद की मांग की है, बावजूद इसके प्रशासन की नींद नहीं खुला है अभी तक। आपको बता दें कि वहां पे कुछ दिन पहले गोला रोड में लोगों ने हंगामा किया, सड़क जाम कर जमकर सरकार के खिलाफ हंगामा किया, बावजूद इसकी सरकार की तरफ से अभी कोई भी पहल नहीं की गई है। वहां अभी भी जल जमाव की स्थिति वैसी की वैसी है, जस का तस वहां जल जमाव है। लोगों के घर बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और यही वजह है कि कुछ दिन पहले लोगों ने हंगामा किया, सरकार से मांग की कि हमें जल जमाव से मुक्ति मिले, लेकिन सरकार है कि सोई हुई है। सरकार उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही जिन्हें मदद की जरूरत है और वहां अभी भी स्थिति जस की तस है। वहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वहां अभी भी जल जमाव है, लोग परेशान हैं, लोगों के घर बीमारियां दस्तक देने लगी है, लेकिन प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली और ये तस्वीरें साफ अब खोलती हुई पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जो भी नगर निगम ने दावा किया था, सरकार के द्वारा दावा किया गया था कि बारिश के बाद 2 से 3 दिनों में जल की निकासी कर ली जाएगी, लेकिन इन दावों को ये तस्वीरें खोखले साबित करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो गए हैं और तस्वीरें सच दिखा रही है। अभी भी कई इलाके हैं जहाँ जल जमाव है और लोगों को तक सरकार की तरफ से कोई भी चीज मुहैया नहीं हो रही है। लोग अभी भी सरकार के इंतजार में हैं कि आखिर सरकार की तरफ से कब पहल की जाएगी और कब लोगों को इस जल जमाव से निजात मिलेगा। तो तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे साथ, साथ ही साथ हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।